हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.6 से। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड, हमें मल्टीप्लाई करना है किसका, 0.2 इंटू 6। अब देखो 0.2 तो 6 के टेबल 12 तक बोलो, 6 टू जो क्या होगा 12 होगा और 0 है तो 0। लेकिन अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लग जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए। अब यहाँ देखो 8 इंटू कितना है 4.6। अब भी हमें पॉइंट भूल जाना है, 8 के टेबल 6 तक बोलो, 8 6 जा 48, ओके कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा भाई, ओके। ऐसे क्या है 2.71 इंटू कितना है 5 है भाई, पॉइंट भूल जाओ, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10 3 13। पॉइंट बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ओके। ऐसे देखो कितना है 20.1 इंटू कितना है 4 है, तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 का 0 और 4 2 जा 8, पॉइंट बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा 80.4 हो जाएगा, ओके। ऐसे हमारा क्या 0.05 इंटू कितना है 7 है, तो 7 5 जा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट बाद कितने डिजिट है, ये 2 डिजिट है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ऐसे हमारा 211.02 इंटू 4 है, 4 टू जा 8, 0 का 0, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, पॉइंट बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, 8.44.08, ओके। ऐसे देखो भाई 2 इंटू 0.86 है, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 1 17, पॉइंट बाद कितने डिजिट है 2 है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा पॉइंट 1.72 हो जाएगा, ओके। तो इन एंगल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम।